गोमांस खाने पर अभी भी हिंदुओं में हमेशा क्रोध दिखाई देता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो गो की तस्करी करते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज उठाने से पीछे नहीं हटते। लेकिन आज हम आपको यहाँ पर ये बताने जा रहे हैं कि इतिहास में गोमांस खाया जाता था या फिर नहीं। इसी से संबंधित लेख अंबेडकर जी ने भी लिखा था, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। अपने लेख में अंबेडकर ने हिंदुओं के इस दावे को चुनौती दी थी। नमस्कार, मैं हूँ साधना शर्मा, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ को सोशल पे। जानते हैं क्या थी इसके पीछे की असली वजह। हिंदुओं ने कभी गोमांस नहीं खाया और गाय को हमेशा से ही पवित्र माना है। अंबेडकर ने प्राचीन काल में हिंदुओं के गोमांस खाने की बात को साबित करने के लिए हिंदू और बौद्ध धर्म ग्रंथ का सहारा लिया, जिसमें अंबेडकर जी ने कहा है कि गाय को पवित्र मानने से पहले उसे मारा जाता था। उन्होंने हिंदू धर्म शास्त्र के विख्यात विद्वान पीवी का हवाला दिया है। पीवी ने लिखा है, ऐसा नहीं है कि वैदिक काल में गाय पवित्र नहीं थी, लेकिन उसकी पवित्रता के कारण से ही बज सुनाई संहिता में कहा गया है कि गोमांस को खाया जाना चाहिए। अंबेडकर ने लिखा है कि ऋग्वेद काल के आर्य खाने के लिए गाय को मारा करते थे, जो खुद ऋग्वेद से ही स्पष्ट है। ऋग्वेद में इंद्र कहते हैं कि उन्होंने एक बार 5 से ज़्यादा बैल पकाए। अग्नि के लिए घोड़े, बैल, गाय और भेड़ों की बलि दी गई। गाय को तलवार या कुल्हाड़ी से मारा जाता था। अंबेडकर ने वैदिक रचनाओं का हवाला दिया है, जिसमें बलि देने के लिए गाय और बैल में से किसी एक को चुनने को कहा गया है। अंबेडकर ने लिखा कि तैत्रेय ब्राह्मण में बताई गई कर्मश्रेष्ठियों में न सिर्फ बैल और गाय की बलि का उल्लेख है, बल्कि यह भी बताया गया है कि किस देवता को किस तरह के बैल या गाय की बलि दी जानी चाहिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करके सी फर्स्ट का ऑप्शन ज़रूर क्लिक करें, ताकि हमारी हर वीडियो के साथ आप नोटिफाई हो जाएं। और अगर आप हमारी ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ।